नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरसा चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि AGTA की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है इसी महीने में, और आपको 20 से 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के भी उसमें मिलेंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन जो है इसी पर्पज़ में जो है कई एग्रीकल्चर के वीडियो मैंने जो है बनाया भी है, बहुत अच्छा मटेरियल भी है, वो उसको पढ़िए। आज जो मैं आपको देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको आता होगा। बस देखिए, जो लोग सिलेक्शन पाते हैं उसमें अंतर ये होता है कि वो बेसिक से बेसिक चीज को नोट्स बना के लिखते हैं और वो पढ़ के जाते हैं। तो आज जो मैं आपको तीन टॉपिक बताऊंगा, तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर देता है, और यहां से एक क्वेश्चन आपका फंसेगा, 100% फंसेगा। AGTA एग्जाम में 100% आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो यहां से आप बिल्कुल जो है तैयार करके जाना, नोट्स बना के जाना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, फंसने वाला है, ये आप बात मान लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए, नींबू में डाई बैक रोग आप जानते होंगे, कई बार मैं बता भी चुका हूं कि नींबू में डाई बैक रोग किसकी कमी से होता है। नींबू में डाई बैक रोग कॉपर की कमी से होता है। किसकी? कॉपर की कमी से। देख लीजिए, नींबू में डाई बैक रोग जो है वो कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से होता है। और इसके बाद दोस्तों, जो आंवले का एक आंतरिक निक्रोसिन रोग होता है, वो होता है बोरान की कमी से। कौन से? बोरान की कमी से। और एक नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है, वो कॉपर की कमी से होता है। तो देखिए, जो आंवले का आंतरिक निक्रोसिन है वह बोरान की कमी से होता है, और नींबू में लिटिल लीफ है वो कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आम एवं बैंगन का लिटिल लीफ रोग है वो जस्ते के कमी के कारण होता है। ठीक है, जस्ते की कमी के कारण। अंगूर में डिसऑर्डर, ठीक है, वो बोरान की कमी के कारण होता है। देखिए, नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से, आम और बैंगन में जस्ते की कमी से, और अंगूर में डिसऑर्डर, ये बोरान की कमी से होता है। और नींबू में एक रोग होता है येलो स्पॉट डिसऑर्डर एक रोग होता है, वो मॉलीबेडनम की कमी से जो है होता है। किसकी कमी से? मॉलीबेडनम, MO। ठीक है, इसके बाद केला का वाटर को रोग है। केला का जो है वाटर को रोग है, एक ये देख लीजिए, ये बर्फ के कण एवं सोर्बिटॉल के डिस्पोजिशन से होता है। अमरूद में ब्रॉन्जिंग एक रोग है, वो जस्ते की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? जस्ते, जेडन की कमी के कारण होता है। और इसके बाद लीची की पत्ती का जलना पोटेशियम की कमी से होता है। इसके बाद आम में आंतरिक निक्रोसिन बोरान की कमी के कारण होता है। इसके बाद आम का लीफ स्कॉर्च के एवं पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। के मतलब पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कटहल का आंतरिक उतक क्षय रोग, ये बोरान की कमी के कारण होता है। आम का काला शिला रोग, भट्ठे के धुएं से निकलने वाली SO2 गैस की कमी के कारण होता है। पीक नट में गुच्छा रोग, ये जस्ते जेडन की कमी के कारण होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्रीकल्चर में, आपको क्वेश्चन यहां से बनेगा। कृपया करके इसको जरूर नोट डाउन कर लेना और पढ़कर जरूर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है सब्जियों की दैहिक विषमताएं हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आता रहता है, सब्जियों की दैहिक विषमताएं। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स, तो इनमें भी कुछ जो है तत्व की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ सब्जियों में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें बहुत सारे तत्वों की कमी के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और वो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इस सब्जी में किस तत्व की कमी से कारण ये रोग होता है, उसको आप जो है निशान लगाना पड़ता है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है मित्रों। तो जो वेजिटेबल्स में जो तत्व जो कमी से जो रोग होते हैं उनको हम जानेंगे। सबसे पहले सलजम में आप सुने होंगे वाटर को रोग, ठीक है, व्हाइट ट्रिप, फूल गोभी में व्हाइट टॉल रोग, बहुत सारे रोग हैं,
बहुत सारे, फूल गोभी में बॉटलिंग है, फूल गोभी में ब्राउजनिंग है, चुकंदर में हट रॉट है, बहुत सारे रोग ऐसे आप पढ़े पढ़ोगे जिसमें जो है तत्व की कमी से ये रोग जो है पनपते हैं, इससे ज्यादा जो है सब्जियों में नुकसान होता है। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट रोग जानते हैं, देख लीजिए। सलजम का वाटर कोर, सलजम का वाटर कोर ये मैग्नीज के कमी के कारण होता है। किसके? मैग्नीज कमी। फूल गोभी में विप्टेल, विप्टेल रोग मॉलीबेडरम की कमी से होता है, एमओ की कमी से होता है। और फूल गोभी में बॉटनिंग जो है नाइट्रोजन एन से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरान की कमी से होता है। आगे चुकंदर में हट रॉट, अभी मैंने बात की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको जरूर जो है एक बार आप देख लेना। मटर का मांस रोग, मांस से मैग्नीज तो मैग्नीज की कमी से होता है। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग मैग्नीज की कमी के कारण ये भी होता है। गाजर में क्वार्टर स्पॉट रोग कैल्शियम सीए की कमी से होता है। और आलू का ब्लैक हार्ट रोग इंपॉर्टेंट है, ये जो है भंडारण में O2 की कमी के कारण होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको मिलेंगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आपको बता दें, ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो है आपको जरूर मिलेंगे। देखिए, हाँ ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहां से एक क्वेश्चन आपको पक्का है। एग्रीकल्चर का ऐसा कोई भी पेपर, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है कि यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। मतलब जैसे मूली, जो मूली का तीखापन है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो फल फूल फ्रूट होते हैं उनमें से जो है रोग हो जाता है। ठीक है, कड़वापन या सब्जियों का जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है, तीखापन होता है वो किसके, चपराहट मिर्च में कड़वापन, मिर्च की चपराहट किसके कारण होता है, ये सारी जो है चीजें जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे मिर्च में चपराहट कैप्साइसिन की कमी के कारण होता है, या सलजम में चपराहट जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की कमी से कारण होता है, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है, प्याज में गंध एलाइनिन प्रोपाइल डाइऑक्साइड के कारण होता है, लहसुन में गंध के और करेले में कड़वाहट, पीपर में गंध, आलू का हरा रंग, टमाटर काला रंग, प्याज का पीला रंग, प्याज का लाल रंग, मिर्च में जो है इसका तीखापन, यहां से क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों आप ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि आपको एक नंबर यहां से पक्का होने वाला है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूली का जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। ठीक है, आइसोसाइनेट के कारण होता है मेरे मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है मिर्च में चपराहट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मिर्च में चपराहट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मिर्च कैप्सेसिन की कमी के कारण होता है, कैप्सेसिन की कमी के कारण होता है, कैप्सेसिन, ठीक, कैप्सेसिन के कारण होता है। अब देखिए, सलजम में चपराहट कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होते हैं, सलजम में जो चपराहट है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, खीरे में कड़वाहट क्वेश्चन आ चुका है, ये कुकुरबिटेसिन की कमी, कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। प्याज में गंध कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये एलाइन प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे मित्रों। लहसुन में गंध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, एलाइसिन डाई एलाइड डाइसल्फाइड के कारण होता है। करेले में कड़वाहट इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये देखिए, करेले में जो कड़वाहट होती है मेर्मोडिकोसाइट और टेट्रासाइक्लिक ट्राई टर्पाइन की कमी, टर्पाइन के कारण होता है। पीपर में गंध, पीपर में गंध ओलियो ओलियोरेसिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन इंपॉर्टेंट है, इसके कारण होता है। और प्याज का पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण होता है। अब आगे देखिए, प्याज में लाल रंग, प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन की कारण होता है, प्याज में लाल रंग जो है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है,
कैप्सेंथिन के, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है कुरकुमिन, इंपॉर्टेंट है। गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, अरवी का कनकनाहट कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है, तिलहनों में तेल कैरोटीनाइड्स के कारण होता है, और तिलहनों के तेल का पीला रंग जो है ये कैरोटीनाइड एल्डिहाइड के कारण जो है ये होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। ये इतना था, ये इतना था दोस्तों, जो है आपको बता दें यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आप जरूर इसको जो है याद कर लेना। एक नंबर आपका यहां से बिल्कुल पक्का है, एक नंबर यहां से आपका बिल्कुल पक्का है मेरे मित्रों। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और दोस्तों जिसको कोर्स लेना है, पेड क्लास स्टार्ट हो गई है, वो परचेस कर सकते हैं। तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।